ब्राह्मण समाज जिला सीहोर के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। ब्राह्मण समाज जिला अध्यक्ष बाल मुकंद पालीवाल के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन के माध्यम से रीवा जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम रतहरा में भगवान परशुराम के तोड़े गए मंदिर को लेकर आक्रोश व्यक्त किया गया। ब्राह्मण समाज के द्वारा भगवान परशुराम के मंदिर की पुनः स्थापना करने की मांग की गई। ज्ञापन देते वक्त बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के नागरिक मौजूद रहे। ब्राह्मण समाज के द्वारा सभी के जिले के ब्राह्मण समाज एवं परशुराम सेना के द्वारा यह ज्ञापन दिया गया है कि रीवा जिले के ग्राम इथरा में एक परशुराम जी का आश्रम था, उसमें मंदिर का निर्माण भी था। यह आश्रम को शासकीय भूमि पर मानते हुए अतिक्रमण के रूप में इसको तोड़ दिया गया। सर्व ब्राह्मण समाज और अन्य समाज के लोग का यह आस्था का केंद्र था। हमने शासन से मांग की है, मध्य प्रदेश शासन से, कि इसका पुनर्निर्माण करा के उसको पुनः स्थापित किया जाए, अन्यथा समाज के लोग आक्रोशित होकर आंदोलन करेंगे। इस बाबत ये ज्ञापन है हमारा। सीहोर नगर पालिका के द्वारा कुछ साल पहले कोतवाली चौराहे को परशुराम चौराहा नाम घोषित करने का घोषणा की गई थी, उस मामले में ब्राह्मण समाज के द्वारा क्या किया जा रहा है? सर, पहले नगर पालिका के द्वारा कोतवाली चौराहा जो माना जाता है उसका नाम परशुराम चौराहा रख दिया गया था, एवं वहाँ पर एक परशुराम जी की प्रतिमा का भी स्थापना की गई थी फ्लेक्स के द्वारा, जिस पर जसपाल सिंह जी अरोरा का फोटो चिन्हित था एवं महेश दुबे का नाम अंकित था। प्रशासन ने चुनाव को देखते हुए उसको उखाड़ के फेंक दिया गया। हमारी ये मांग है कि उस चौराहे का नाम पुनः परशुराम चौराहा करा जाए एवं उस पर समाज की प्रतिमात्मक रूप से फरसे का चिन्ह लगाकर उसको वापस परशुराम चौराहे का नाम दिया जाए।